इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। नगर निगम फर्जी बिल घोटाले में ईडी की एंट्री हो गई है। बता दें घोटाले से जुड़े लोगों पर ईडी ने छापा मारा है। आजाद नगर समेत कई ठिकानों पर छापा डाला गया। ड्रेनेज सिस्टम के नाम पर दरअसल ये हुआ था घोटाला। फर्जी बिल लगाकर करोड़ों का घोटाला किया गया था। फर्जीवाड़े का ये मामला सामने आता है। घोटाले से जुड़े लोगों पर ईडी ने शिकंजा कसा है। आपको बता दें कि आजाद नगर समेत कई ठिकानों पर ये छापा मारा गया। तो ड्रेनेज सिस्टम के नाम पर एक बड़ा घोटाला किया गया था, जिसको लेकर ईडी ने शिकंजा कसा है और साथ ही कई जगहों पर फर्जीवाड़े को लेकर छापा मारा गया। तो आजाद नगर समेत कई ठिकानों पर यह छापा मारा गया। करोड़ों रुपयों को घोटाला ये मामला सामने आता है घोटाले का, जिसमें अब शिकंजा कसा जाता है। फर्जी बिल लगाकर करोड़ों का ये घोटाला हुआ था। नगर निगम फर्जी बिल घोटाले में ईडी की एंट्री हो गई है। सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सचिन, फर्जी बिल लगाकर ये घोटाले का मामला सामने आता है, कौन कौन इसमें संलिप्त नजर आ रहा है, कब से ये छापामार कार्रवाई चल रही है? जी बिल्कुल, अब ये देखना होगा क्योंकि आज ये इसमें इस पूरे मामले में ईडी की एंट्री हो चुकी है। ईडी ने भी पूरा मामला दर्ज करके टोटल इंदौर शहर में 12 जगहों पर छापामार कार्रवाई की है। इसमें मुख्य रूप से आजाद नगर स्थित अकाउंटेंट के घर पे अनिल कुमार गर्ग जी के वहां और उसके अलावा महालक्ष्मी नगर में अभय राठौर के रिश्तेदार के वहां, ये कुल मिलाकर यह अभी तक जो बात जो निकलकर सामने आई है वो यही है कि जो पिछले दिनों जो नगर निगम में जो ड्रेनेज का जो घोटाला हुआ था वह 125 करोड़ के आसपास का था, लेकिन उसमें शुरुआती दौर में 30 करोड़ के अमाउंट अलग अलग बैंक अकाउंटों में रिलीज होना पाए गए थे, जिसमें कई ठेकेदारों को, नगर निगम के कर्मचारियों को उसमें आरोपी बनाया था। इसके साथ ही अभय राठौर जो मुख्य इंजीनियर है उसको पूरे इस पूरे मास्टर पूरे पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड इसको करार दिया गया था। इनको भी इसको भी यूपी के एटा से गिरफ्तार किया था और अभी वह अभी हाल फिलहाल में वह जेल में। अभी मुख्य रूप से जो चीजें जो सामने आई है वो यह है कि जो 125 करोड़ रुपए का जो पूरा घोटाला हुआ था उसमें अब ईडी की एंट्री हुई है। ईडी ने अब पूरा मामला दर्ज किया है। इंदौर शहर में 12 जगहों पर छापामार कार्रवाई की है। तो अब देखना होगा किस किस तरीके से और क्या क्या चीजें सामने आती है, क्योंकि शुरुआत में जब पुलिस ने जब यह पूरा मामला दर्ज किया था तो चार से पांच एफआईआर दर्ज की गई थी और उसमें अलग अलग ठेकेदार हो और उसमें जो नगर निगम के अकाउंटेंट हो, नगर निगम में जो कर्मचारी जो काम करने वाले कर्मचारी थे जो बिल विभाग में थे उन सबको आरोपी बनाया था, क्योंकि इसमें कई अधिकारियों के डिजिटल सिग्नेचर करके यह पूरा घोटाले को अंजाम दिया गया था, जिसमें शुरुआती दौर में 30 करोड़ रुपए जो अलग अलग बैंक खातों में अलग अलग कंस्ट्रक्शन कंपनियों के जो ठेकेदार थे उनके अकाउंट में गए थे और उन सबको आरोपियों को करीब 12 से 15 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था और उसमें जेल भेजा गया था। अब इसमें ईडी की एंट्री हुई है इसमें, क्योंकि देखा जाए तो कांग्रेस हमेशा शुरू से आरोप लगाती रही है कि यह अभय राठौर के पीछे कई और भी बड़े मगरमच्छ हैं, कई और भी बड़े अधिकारी हैं जो उनके बगैर ये घोटाला नहीं हो सकता है। तो अब ये ईडी की जिस प्रकार से एंट्री हुई है तो अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके के और नाम उजागर होते हैं इस मामले में। बिल्कुल बिल्कुल, आप नजर जरूर बना के रखिएगा इस खबर पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे। रीवा पुलिस ने प्रदेश में अब तक की सबसे